अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गॉसिप टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, क्या हो कि अगर आपको किसी जंगल से गुजरते वक्त बहुत ज्यादा अमाउंट में गाड़ियां नजर आ जाएं, या फिर कोई ऐसा जहाज जो बिल्कुल सही सलामत हालत में अपनी जगह पर खड़ा हो मगर कोई उसे चोरी करने की हिम्मत ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मौजूद ये गार दुनिया की स्केरी तरीन गारों में से एक है। वेल, यहाँ लाखों ताबूत एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ये चाइना में मौजूद एक ऐसी गार है जहाँ पुराने जमाने के लोगों का ख्याल था कि ऐसा करने से रूहें एक दूसरे के साथ रबते में रहेंगी, इसलिए इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर रखा गया है। वेल, आप में से कौन से लोग इस अबैंडन जगह को विजिट करना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर टू, दोस्तों क्या हो कि आपको जंगल से गुजरते वक्त हजारों कार के पुराने मॉडल मिले जिन्हें बिल्कुल तरतीब से रखा गया हो, जैसे कि कार्स की कोई फैक्ट्री है। वेल, इस अबैंडन प्लेस को एक शख्स ने जंगल में गुजरते वक्त देखा और मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। नंबर थ्री, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मौजूद 2700 के करीब जहाज बिल्कुल सही सलामत हालत में दरिया के किनारे पर मिले, पर इसे किसी ने चुराने की हिम्मत तक नहीं की। इसका आंसर शायद आपको ये वीडियो देख के हो जाएगा। A vast area here. It smells so bad in here. नंबर फोर, दोस्तों वैसे तो एंटीक ट्रेन्स और इस तरह की चीजों को संभाल कर रखा जाता है मगर ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं इसमें मौजूद अलास्का के लोग हरिकेन से जान से हाथ धो बैठे थे, तब से उनके भूत इस ट्रेन में रहते हैं। और इस ट्रेन की मेंटेनेंस को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि भूत अपनी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इस ट्रेन से बहुत ज्यादा खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर फाइव, ये जो कार शोरूम वीडियो आप देख रहे हैं इसको अमेरिका के एक लड़के ने रोड के किनारे देखा। मजे की बात यह है कि इसमें मौजूद सब एंटीक कार्स अपनी असल हालत में मौजूद थी मगर वो लड़का इस जगह के अबैंडन होने की वजह से इसे हाथ लगाने की हिम्मत तक ना कर सका। नंबर सिक्स, दोस्तों बंकर हाउस उसे बोला जाता है जो मिलिट्री के लोगों को बॉम्ब से सेफ रखने के लिए अंडरग्राउंड बनाया जाता है मगर एक अबैंडन्ड बंकर हाउस कुछ इस हालत में दिखाई दिया जिसे देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। Let's take a peek inside. नंबर सेवन, इस शख्स को जंगल में एक स्कूल बस दिखाई दी मगर मजे की बात यह है कि उसे अंदर से देखने पर और इन चीजों को देखकर आप शॉक रह जाएंगे। ऐसा लगता है कि शायद किसी ने ये सब चीजें तरतीब से इकट्ठी की हों। ये वाकई किसी अबैंडन प्लेस से कम दिखाई नहीं देती। नंबर एट,
हॉरर मूवीज में दिखाया जाने वाला प्लेग्राउंड अगर आपको रियल लाइफ में नजर आ जाए तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। वेल, रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा क्रीपी और हॉरर है। I think that one's calling my name. Right there. Oh yeah. Oh hell yeah. That'd be awesome. No, someone wrecked. Even at noon, the atmosphere here is pretty creepy. Tell us honestly, would you dare walk here at nightfall? Really? It's locked. How dusty that seat is. Hopefully it sounds better now. Sorry if it sounded like piss. Let's see what it looks like in here. This one's pretty dang long. It's a Canon 10 to 18. Fat chefs. Oh, these things are so creepy, oh my god. Seriously? It's terrifying. Number 9. First, करें कि आप जंगल से गुजर रहे हैं और आपका सामना एक ऐसी बिल्डिंग से हो जाए। बहरहाल जो भी हो, इस अबैंडन्ड बिल्डिंग में रहने वाले होस्ट की इंटीरियर डिजाइनिंग कमाल की है। नंबर 10। ये जो सिटी आप देख रही हैं, ये दरअसल एक अबैंडन्ड सिटी है जो जंगल के बीच मौजूद है। इसमें एंटर होते ही ऐसा फील होता है कि जैसे 16th सेंचुरी का शहर आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है, और यहाँ पर अक्सर लोगों के रहने की वाइब्स भी आती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से शेयर करें ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।